हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं आज की टॉप 5 जॉब्स की जानकारी। दोस्तों, आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और फॉर्म भरने के बारे में बताया जाएगा, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में डिटेल में। दोस्तों, पहली जॉब जो है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड द्वारा निकाली गई है। अगर इसमें पोस्ट नेम की बात करें तो रैंप सर्विस एजेंट की पोस्ट है, कस्टमर एजेंट की पोस्ट है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की पोस्ट है और असिस्टेंट अकाउंट की पोस्ट है। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें 205 पोस्ट। अगर सैलरी की बात करें तो 18,360 से 60,000 रुपये पर मंथ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10th क्लास UG PG डिग्री पास होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 35 साल है। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है, अदर्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इंटरव्यू बेस्ड है तथा इंटरव्यू का डेट जो है 13 और 14 मई 2019 है। डिटेल में जानने के लिए मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके क्लिक हेयर पे क्लिक करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली जॉब की जो राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा निकाली गई है। इसमें अगर पोस्ट नेम की बात करें तो लीगल रिसर्चर की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 38 पोस्ट है। अगर सैलरी की बात करें तो 20,000 रुपये पर मंथ है। और अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को डिग्री पास होना चाहिए लॉ में। अगर एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 33 साल है तथा एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपये है। तथा फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 13 मई 2019 है। आप इससे पहले फॉर्म को जरूर फिलअप कर दें। मैंने इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर अप्लाई हेयर पे क्लिक करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं तथा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहां से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगली जॉब जो है डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा निकाली गई है। इसमें पोस्ट नेम की बात करें तो ग्रुप डी की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें 54 पोस्ट है। तथा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो SC ST OBC के लिए 150 रुपये फीस है तथा जनरल कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फीस है। तथा इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 3 जून 2019 है। आप इससे पहले फॉर्म को जरूर फिलअप कर दें। मैंने इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर अप्लाई हेयर के सामने क्लिक हेयर पे क्लिक करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं तथा इसका एडवर्टाइजमेंट डिटेल आप पढ़ सकते हैं यहां पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके। दोस्तों, अगली जॉब जो है कर्नाटका हाईकोर्ट द्वारा निकाली गई है। अगर पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें ग्रुप डी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 95 पोस्ट है। सैलरी जो है 19,000 से 63,000 के बीच है। तथा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। इसमें अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। तथा एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC ST के लिए 100 रुपये फीस है तथा जनरल OBC के लिए 200 रुपये फीस है। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 3 जून 2019 है तथा जॉब लोकेशन कर्नाटका है। जिन लोगों को फॉर्म फिलअप करना है मैंने इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगली जॉब जो है पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस द्वारा निकाली गई है। पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें क्लर्क की पोस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है तथा लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट है और OT टेक्नीशियन की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 976 पोस्ट है। सैलरी जो है 5,200 से 20,200 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए तथा स्टाफ नर्स के लिए DMLT BMLT होना चाहिए तथा क्लर्क के लिए ग्रेजुएट पास होना चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए तथा इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का 15 मई 2019 है। आप इससे पहले फॉर्म को जरूर फिलअप कर दें। इसका जॉब लोकेशन रोहतक है। अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। मैंने इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो देखने के लिए तथा हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।